अगर आप इस सब्जी को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपका वेट लूज भी होगा और आपका स्वाद भी बराबर रहेगा। यानी इस सब्जी को खाने के बाद आप अपना मनचाहा वेट लूज कर सकते हैं और स्वाद में भी आपको बराबर मिलेगा। हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस सब्जी को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपका वेट लूज भी होगा और आपका स्वाद भी बराबर रहेगा। यानी इस सब्जी को खाने के बाद आप अपना मनचाहा वेट लूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि हम जब डाइटिंग पे जाएंगे तो यार मतलब बोरिंग चीजें खानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप अच्छी अच्छी चीजें खाकर भी अपना वेट लूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, इस सब्जी में आपको आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। वेट लूज करने में ये सब्जी आपकी सुपरबली हेल्प करेगी। जब भी कोई भी मतलब जिम हो या फिर योगा हो, कोई भी वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं या फिर वॉक ही कर रहे हो, तो क्या है, सबसे पहले आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की। क्योंकि प्रोटीन जरूरी चाहिए होता है जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसमें प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में मिले। और ये सब्जी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें जो है प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह सब्जी है पालक पनीर की। अभी पालक पनीर सुनकर मुंह में आया ना पानी, क्योंकि पालक पनीर मोस्टली सभी को पसंद होता है। और ये पालक पनीर अगर वेट लूज के लिए बन जाए, पालक पनीर की सब्जी तो आप भी बनाते होंगे, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ये सब्जी आज हमें वेट लूज के लिए बनानी है और पालक पनीर की सब्जी वेट लूज के लिए बन जाए तो फिर क्या कहने हैं। गाइस, आज जो मैं पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, तो ये सब्जी की रेसिपी मैं वेट लूज के लिए ही लेकर आई हूँ। जो भी आप सब में से वेट लूज करना चाहता है, इस सब्जी को इसी प्रकार बनाएं और खाएं। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बताऊंगी हेल्दी रहने के लिए और वेट लूज करने के लिए पालक पनीर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं लो फैट पनीर का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप भी वेट लूज करने के लिए पालक पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो लो फैट पनीर का ही इस्तेमाल करें। चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं वेट लूज के लिए पालक पनीर। वेट लूज पालक बनाने के लिए पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है 3 से 4 बार, और इसको आप पानी निचड़ जाने के बाद इसको रफली काट लिया है। और काटने के बाद अभी मैं इसको उबलने के लिए रख दूंगी। उबलने के लिए कुकर में इसको डाल दूंगी मैं। आप किसी भी बर्तन में उबाल सकते हैं, जैसे कढ़ाई में या फिर पतीले में, किसी में भी उबाल सकते हैं। इसको पूरा इसमें डाल देती हूँ मैं। इसे 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये मैंने अच्छे से छील लिया है, धो लिया, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, उबलने में ही डाल रही हूँ पालक में, तो मैं ये भी इसमें डाल देती हूँ। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल देती हूँ इसमें, और डाल दूँगी थोड़ा सा पानी बॉईल होने के लिए। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें मैं सिर्फ एक ही विशल लगवाऊँगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। 1 विशल आने देते गाइस इसमें। पालक पनीर में तड़का लगाने के लिए गाइज मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 2 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको छोटा छोटा काट कर मैं तैयार करूँगी। और तो पालक में मतलब पालक पनीर जैसे गाइज आप बनाते होंगे तो आप पता नहीं क्या क्या उसमें डालते होंगे। वैसे मोस्टली जो सामग्री जाती है तो यही जाती है, टमाटर, प्याज का तड़का और बाकी जो सूखे मसाले होते हैं। यहाँ पे मैं वेट लूज के लिए बना रही हूँ तो सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा हुआ है कि मुझे कितना टमाटर, कितना प्याज डालना है और किस तरह से उसको उबालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही उसमें भी सलानी चाहिए। पालक पनीर में तड़का लगाने के लिए प्याज को और टमाटर को छोटा छोटा काट कर तैयार कर लिया है। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई रखी है, क्योंकि जब तक पालक ठंडी होएगी ना, क्योंकि अभी जो है मतलब प्रेशर में रखा हुआ है पालक, तो तब तक तड़का लगा लेते हैं। और 4 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया, ये डाल देते हैं। ऑलिव ऑयल गर्म होने पर इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 पिंच हींग है, ये भी डाल देते हैं। अभी जो ये प्याज काट कर तैयार किया है ये भी इसमें डाल देते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ब्राउन हो चुका है और इसमें जो टमाटर काट कर तैयार किया है छोटा छोटा, वो डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर नरम होने के लिए और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे,
क्योंकि जब हम सेंधा नमक डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा ये जल्दी टमाटर जो है नरम हो जाते हैं, यानी भुनकर जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इसमें हमने सेंधा नमक भी डाल दिया है। आप चाहे कोई भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेट लूज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो टमाटर डाले हैं नरम होने तक हम भून लेंगे। पालक को कुकर से ट्रांसफर कर देते हैं एक बाउल में, क्योंकि ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको इसमें निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं मसालों के पकते हुए, एक बार चेक कर लेंगे। टमाटर गलकर तैयार है पूरा, मतलब पूरा जो है ये मसाला भून चुका है। तो इसमें डाल देंगे अभी सूखे मसाले। 2 से 3 पिंच हल्दी डाल देंगे, 4 से 5 पिंच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हरी मिर्च का भी हमने इस्तेमाल किया है इसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और 1 छोटा चम्मच भर के पूरा डालेंगे हम मिक्स मसाला। इसमें धनिया पाउडर भी है और भी मसाले हैं, तो ये भी इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला तो तैयार हो चुका है, और इसको इसी प्रकार हम लिड लगाएंगे और प्रेशर में रखे रहने देंगे और गैस कर देंगे बंद। अभी हम पालक को पीसकर तैयार करते हैं और पनीर को काट कर तैयार करेंगे। पालक ठंडी हो चुकी है, इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे। पालक को हम अच्छे से पीस लेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। पालक को पीस लिया है, इस प्रकार पीसना है। ये पालक को मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है, तो पानी भी डाल देते हैं। मिक्सी जार में जो पालक लगी हुई थी उसी में मैंने पानी डाल के इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें। इसको लिड लगा देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं मीडियम आंच पे। पालक को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेंगे। पालक पक चुकी है और इसमें अभी डालेंगे पनीर। ये छोटे पीसीज में मैंने पनीर काट कर तैयार कर लिया है। पनीर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा या फिर कम। ये पूरा पनीर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए फिर से हम पका देंगे ताकि पनीर कच्चा ना रहे और पालक और पनीर का टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। तो लिड लगा देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। गैस बंद कर दी है और अभी पालक पनीर जो है बनकर तैयार है। इसको खाने के लिए सर्व करते हैं गाइस। और आयरन फाइबर बहुत ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये हमें वेट लूज में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और ऐसे भी अगर हम खाएं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। गाइज ये सब्जी, अगर हम सब्जी यानी पालक पनीर अगर वेट लूज के लिए हम इसको खा रहे हैं, तो इसके साथ हमें बाजरे की, ज्वार की या फिर नाचनी की रोटी के साथ सर्व करना है। ब्रेड आटे की रोटी भी सर्व कर सकते हैं, या फिर ब्राउन राइस के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। अगर हम वेट लूज के लिए नहीं इसको खा रहे हैं, हम ऐसे ही नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए पालक पनीर खा रहे हैं, तो हम नॉर्मल चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। गाइस ये थी वेट लूज के लिए पालक पनीर की रेसिपी, और बनाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और आसानी से बन जाती है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है पालक पनीर बनाने में, मतलब ये है किसी भी सब्जी को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसको अच्छे से बनाएंगे उतनी ही वो स्वादिष्ट बनेगी। यह ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लूज पे हैं तो ही इस प्रकार पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो भी इस प्रकार पालक पनीर की सब्जी बनाइए और खाइए। आप इसको लंच में, डिनर में, किसी में भी खा सकते हैं, और इसके साथ ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। ब्राउन राइस के साथ खाने में ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, और जवाहर की, बाजरे की रोटी, किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं वेट लूज पे हैं तो। अगर आप ऐसे ही स्वाद के लिए खा रहे हैं तो जो नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी होती है आप उसके साथ खा सकते हैं। यह रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय गाइज़।